हमारा और आपका ट्रेवल करने का प्रबंध किया गया है। जो है पेट्रोल निकाल दिया जाएगा गाड़ी का, जो भी पेट्रोल है। प्रीमियम में 400, स्टैंडर्ड में 500। टूटने फूटने की कोई गारंटी किसी की नहीं। ये टूट गया है गाड़ी का। तो आप लोगों के काफ़ी बार कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई हमको अपनी बाइक भेजनी है, स्कूटी भेजनी है रेलवे से, इंडियन रेलवे से ट्रेन में बुक करके, बट कैसे भेजा जाएगा, क्या प्रोसेस है। सो फाइनली आज ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। वो भी रीज़न क्या है ना, एक तो आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, झांसी में रहते थे, झांसी से कानपुर शिफ्ट कर रहे हैं और हमको अपनी बाइक भेजनी थी कानपुर। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो भी हो जाएगी, आप सभी लोगों की हेल्प भी हो जाएगी कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या चार्जेस हैं, सारी चीज़ें। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। अभी हम खड़े हुए हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी और जिस ट्रेन में हमने बाइक की बुकिंग करवाई है आज, उसका ट्रेन नंबर है 11109 झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। और क्योंकि वो झांसी से ही बन के चलती है तो हमको ईजी पड़ा, उसमें आराम से बुकिंग हो गई, क्योंकि यहीं से बन के चलती है ना तो खाली रहता है इसका लगेज ब्रेक वगैरह, तो इसमें आराम से अपनी बाइक पार्सल हो जाएगी। तो चलिए अभी हम आपको प्रोसेस दिखा देते हैं, क्या प्रोसेस है जब भी आपको अपनी टू व्हीलर बुक करनी है, ट्रेन से भेजना है उसके पार्सल वैन में। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन जो होता है ना गाड़ी का, उसकी कॉपी चाहिए, एक इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए, एक अपना आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसके नाम पर गाड़ी है ना, एक आधार कार्ड की कॉपी उनकी भी चाहिए, ठीक है। ये है मेन डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के होने चाहिए। और कम से कम पेट्रोल में आप गाड़ी को लेके जाएं बुकिंग ऑफिस। चलो अभी हम चलते हैं बुकिंग ऑफिस और आपको पूरी प्रोसेस दिखाते हैं कि भाई क्या प्रोसेस है। और ये प्रोसेस दिखाने के बाद हम आपको चार्जेस भी आखिरी में इस वीडियो के बता देंगे, जो भी चार्जेस हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई पहले प्रोसेस। तो अभी हम ये आ चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई मतलब झांसी जंक्शन पे। ये है बुकिंग ऑफिस, यहाँ पर है पार्सल बुकिंग ऑफिस और बगल से ही आपको ये मिलेगा श्री राधा स्वामी, मतलब ऐसा हर स्टेशन पे मिलता है। तो सबसे पहले करवाना होता है गाड़ी को पैक अच्छे से। जब गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी ना, ये जो है कुशनिंग वगैरह तरीके से होती है, मतलब यही घास फूस हो गई, बोरा हो गया, इन सबसे आपने देखा होगा स्टेशन पे खड़ी रहती हैं बाइक्स। तो वैसे जब ये अच्छे से पैक हो जाएगी उसके बाद वहाँ जाना होगा पार्सल ऑफिस पे, बुकिंग ऑफिस पे, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो करना होगा। अब इसको जो पैक करने का है ना, वो भी आपको चार्ज लगेगा यहाँ पर। तो चार्जेस जो हैं वो हैं ये, अगर आपको नॉर्मल पैकिंग करवानी है तो इसका हैगा 300, मीडियम में 400, स्टैंडर्ड में 500 और इसमें GST अलग लगेगा। तो मतलब हम ये 400 वाली करवा रहे हैं तो ये हमको पड़ेगा करीब 472 रुपये का। तो शीशे जो हैं यहाँ पर निकाल दिए जाएंगे बुकिंग के टाइम, जब गाड़ी होगी ना पैक तो दोनों शीशे, बस शीशे ही निकालने पड़ेंगे ना। तो भाई ये है चार्जेस, हमने आपको दिखा दिए, अब पैकिंग होनी हो गई है शुरू अपनी गाड़ी की। चार्जेस सब जगह अलग अलग है। अच्छा, हर स्टेशन के चार्जेस सब जगह स्टेट के साथ है, GST अलग अलग सब जगह है। अच्छा, और अब पैकिंग के साथ साथ एक और काम जो होता है वो होता है पेट्रोल का। तो जब भी आप बुकिंग करवा रहे हो तो कम से कम पेट्रोल गाड़ी में लेके आओ आप, ताकि यहाँ पर जो पेट्रोल निकाला जाए तो उसमें ही प्रॉब्लम कम होगी। जो है पेट्रोल निकाल दिया जाएगा गाड़ी का, जो भी पेट्रोल है, क्योंकि ट्रेन वगैरह में जा रही है तो वैसे ही वहाँ भी फ्लेमेबल चीज़ जो भी रहती है ना, जैसे सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही बैन है रेलवेज़ में। तो जो शीशे निकाले थे वो इसी के साथ में ही ऊपर पैक हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अलग से अपन को ले जाना होगा, इसी में पैक कर दिए जाएंगे। तो गाड़ी ऑलमोस्ट हो गई है पैक, उसके बाद अभी आ चुका है अपने पास फॉर्म, इस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके इसको जमा करना होगा बुकिंग ऑफिस में, पार्सल बुकिंग ऑफिस में। चलो सबसे पहले इसको करते हैं फिलअप, ठीक है। और बाकी जो पैकिंग की रिसिप्ट है वो भी हमको मिल गई है, ये पिंक वाली जो रिसिप्ट है ये है पैकिंग की, और ये फॉर्म है ये हमने फिलअप कर लिया है। अब जाना पड़ेगा बुकिंग ऑफिस, यहाँ पर ये सब जमा करके, और यहाँ पर हमको एक और रिसिप्ट मिलेगी। तो पार्सल ऑफिस से बुकिंग कराने के बाद पैसे दिए, करीब पड़ा है हमको 550 रुपये, 570 रुपये, और ये हमको रिसीविंग मिल गई है अपनी बाइक की। इस पर सब डिटेल हैंगी है, कहाँ से कहाँ जा रही है गाड़ी, सब डिटेल। देखो आपका नाम है,
इस पे नाम वगैरह है, ठीक है, गाड़ी वो क्या बोलते हैं बुकिंग नंबर है जी, PRR नंबर जी, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो जो स्लिप मिली थी उस पे जो डिटेल्स हैं वो सब अभी गाड़ी पे लिखी जा रही है, देख रहे हो ना, मार्कर से जो पैकिंग है उसी के ऊपर लिखी जाएगी, ताकि जब गाड़ी लोड होगी अनलोड होगी तो क्लियर रहता है ना इससे कि कहाँ की जाएगी। इस पर लिखा हुआ ना CNV, और जब सारी डिटेल्स हो जाएंगी, बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको निकालनी है अपनी चाबी ऑफ करके, हैंडल लॉक नहीं करना है बट चाबी अपनी ले लेनी है। अभी गाड़ी अपनी पैक होकर जा रही है अंदर स्टेशन पर। सिटी एक्सप्रेस आ चुकी है वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो अभी अपनी इंटरसिटी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और ये खड़ी है अपनी बाइक, जो सेकंड वाली बाइक है ना पीछे वाली, ये है अपनी बाइक बिल्कुल पैक्ड, हमने दिखाया था अभी आपको प्रोसेस में, तो पैक हो चुकी है, कोई ना कोई आएगा स्टाफ और अपनी बाइक को लोड करेगा ट्रेन में। तो अब बाइक्स लोड होंगी भाई लगेज ब्रेक में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आज हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं जिससे आप मजे करते करते पैसे कमा सकते हो। तो आज हम लोग पैसे कमाएंगे दी क्रश गेम, दी एविएटर गेम खेल कर, ऑन अ रियली गुड एंड लाइसेंस साइट foravit.com। और ये जो गेम है ना ये एकदम सिंपल है, जितना ज्यादा हमारा प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा उतने ज्यादा हम लोग पैसे अर्न करेंगे। चलो गेम अपना हो गया है स्टार्ट, और स्टार्टिंग में अपन लोग यहाँ पर बैट लगाएंगे 1000 रुपए से, और प्लेन देखो टेक ऑफ कर चुका है और अपनी विनिंग भी अब ग्रो होनी चालू हो गई है। और मेन चीज इसमें यह है कि जो विनिंग्स है ना इसमें हमको ऑन टाइम कलेक्ट करनी होगी, एंड वाह ये देखो अभी हम लोग जीत चुके हैं 1650 रुपए इसमें, तो इसमें तो लक हमारा सही रहा। चलो एक बार और इसमें अपन लोग ट्राई करते हैं, और ये देखो अभी ऑलरेडी 2x पे चल रहा है, और जितना ज़्यादा प्लेन हायर जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग जीतेंगे। और ये लो भाई अब जीत गए हैं 5000 और उससे भी ज्यादा। तो अभी आपने देखा बस 30 सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पर 6680 रुपए कमा लिए हैं, और ये देखो अभी हमने जीते हुए पैसे हल्के हल्के कैश आउट कर लिए, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और एविएटर इस साइट का काफी बढ़िया गेम है, आपको फोरावेट साइट पर जाना है, वहां पर रजिस्टर करना है और कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करना है, उसके बाद आप जब कैसिनो पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पर आपको टाइप करना है, सर्च करना है एविएटर, तो आपको ये वाला गेम वहां पर मिल जाएगा इजीली। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे काफी अच्छा बोनस भी मिलेगा। तो आप पेटीएम, UPI, गूगल पे, फोन पे किसी से भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, कोई भी अमाउंट आप डिपॉजिट करके उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर गेम खेलना। लेकिन हाँ जितना ज्यादा आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे उतना ज्यादा ही आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा और जीतने के चांसेस भी बढ़े रहेंगे। सो आई होप आप लोग भी जैकपॉट जीत सकें हमारे जैसे, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग जाकर गेम खेल सकते हैं foravit.com पे। सो गुड लक। और अपनी भी बाइक आ गई है, अब भाई आया है अपनी बाइक का नंबर। अपनी बाइक को इंटरसिटी में लोड कर दिया गया है, और अपनी बाइक आज ट्रेवल करने वाली है SLR कोच में, और अब हमारा और आपका क्या, तो भाई हमारा और आपका ट्रेवल करने का प्रबंध किया गया है 3rd AC में, ठीक है ना, इंटरसिटी में। इसमें आपको 3rd AC भी मिल जाएगा, पहले नहीं हुआ करता था इसमें 3rd AC, बट काफ़ी टाइम हो गया है अभी इस ट्रेन में जब इसमें 3rd AC लगाया गया है। तो आज अपना कोच है ये BE1 AC 3 टायर, बस 5 मिनट बचे हैं अपनी ट्रेन को डिपार्चर के लिए, तो निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी से। No.
और इस इंटरसिटी एक्सप्रेस में अभी बेडरोल की फैसिलिटी भी चालू हो गई है, तो आपको बेडरोल मिल जाएगा, जबकि दिन ही दिन की जर्नी है, बट उसके बाद भी ये देखो हमको बेडरोल सभी पैसेंजर को मतलब बेडरोल दिया गया है, पिलो और ये बेडशीट वगैरह। तो निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग उरई रेलवे स्टेशन, और अभी हमारी लग गई थी नींद यार, सुबह सुबह की जर्नी है ना, बड़ी परेशानी है। रात में सोए करीब 12 बजे करीब घर पे सोए थे, सुबह 4 बजे उठे स्टेशन आना था, क्योंकि इसमें जो लोडिंग होनी थी ना बाइक की सुबह सुबह जल्दी होनी थी, है ना, डिपार्चर से तो पहले ही होती है, तो इसके लिए जल्दी आना पड़ा स्टेशन, तो अभी थोड़ा लेटे और नींद लग गई। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर इंटरसिटी का उरई रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट का स्टॉप है, अभी सोच रहे थे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ मिल जाता, तो वही है यार, यहाँ तो अभी सुबह सुबह से गुलाब जामुन, अब सुबह सुबह गुलाब जामुन खाने का कोई मतलब नहीं है। हॉन्क हो गया, सिग्नल हो गया, चलो आ चुके हैं अभी अपन लोग कानपुर सेंट्रल, और इस ट्रेन में यहीं तक जर्नी कर रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी की बुकिंग भाई बाइक की यहीं तक की थी बुकिंग, तो यहाँ पर उतर गए हैं। अब चलना है पीछे की साइड, अब ये लोग बाइक उतारेंगे, हम वो दिखाते हैं आपको, और उसके बाद जाना होगा पार्सल ऑफिस, वहाँ से रिसीव करना होगा। अब वहाँ आपको प्राइस बताते थे भाई क्या चार्ज लगा, तो 400 रुपये हमको चार्ज पड़ा वहाँ पर पैकिंग का, GST मिला के 472, मतलब 500 रुपये मान लो वो, 600 रुपये हमको देना पड़ा बुकिंग ऑफिस में पार्सल ऑफिस में, और 300 रुपये लोडिंग का, मतलब 1400 रुपये टोटल यहाँ पर खर्चा आया हमको बाइक को झांसी से कानपुर भेजने के लिए। बाकी ये जो प्राइस है ना, ऊपर नीचे होगा डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से, अलग अलग जोन के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब फेयर जो हमको पड़ा वो हमने आपको बता दिया। और डॉक्यूमेंट्स अब आपको बता दें, यहाँ पर रिसीव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे, एक तो रिसिप्ट जो हमें कल पार्सल ऑफिस से मिली थी झांसी से, वो रिसिप्ट लगेगी, और हमारा आधार कार्ड जो रिसीव कर रहा है ना बाइक उसका आधार कार्ड लगेगा, तो हमारा आधार कार्ड और वो रिसिप्ट, ये दो चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पर पार्सल ऑफिस पे बाइक को रिसीव करने की। ये देखो भाई अपनी गाड़ी अब उतारी जा रही है, अपन पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, अभी जो रेलवे का स्टाफ है वही हमारी बाइक लेके जा रहे हैं यहाँ पार्सल ऑफिस, वहीं पर डॉक्यूमेंट्स जमा करके फिर मिल जाएगी बाइक। तो ये है भाई विंडो पार्सल ऑफिस की, यहाँ पर हमने अपना आधार कार्ड और जो रिसिप्ट थी वो जमा की, हमको गेट पास मिल गया है, गेट पास हम यहाँ पर देंगे तब हमको मिलेगी बाइक। वो अंकल आने वाली है, तो अभी यहाँ पर जो गेट पास मिला है वो हमने दे दिया स्टाफ को, वो अपना चेक वगैरह करेंगे उसके बाद हमको हैंड ओवर कर देंगे। अब बाहर निकलने के बाद बाइक की अब हमको जो पैकिंग करवाई थी ना वो पैकिंग खुलवानी होगी, तो पैकिंग खुलवा रहे हैं। तो गाड़ी अभी हम चेक कर रहे थे, तो भाई ये देखो ये टूट गया है गाड़ी का, अब ये आप लोगों को पता ही है भाई कितना महंगा डलता है, ये अंदर से जो क्लिप है ना इसकी, ये देखो क्लिप जो ब्लैक कलर की, ये टूट गई है। अब रेलवे की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ी में कोई भी नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं है, टूट गया ना
अभी हमें को झेलना पड़ेगा। सारी प्रोसेस हमने आपको दिखा दी है, लेकिन यार नुकसान हो गया है, देख रहे हो ना आगे से ये जो प्लास्टिक का जो होता है ना वो टूट गया है भाई, अंदर से उसका टूट गया, प्लास्टिक का जो कुंदा जुड़ा रहता है वो टूट गया। अब ये पूरा नया डलवाना पड़ेगा। अब जितने का मतलब ये खर्चा पड़ा है उतने का समझ लो ये अलग से एक पड़ेगा, तो ये नुकसान हो गया। वैसे हम बाइक को झांसी से कानपुर चला के भी ला सकते थे, लेकिन हमने सोचा आप लोगों के यार कमेंट्स भी कई बार आ चुके हैं और आपको क्यों ना प्रोसेस पूरी दिखाई जाए, इसीलिए हमने बस रेलवे से बुक करवाई थी गाड़ी। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, टूटने फूटने की कोई गारंटी किसी की नहीं है भाई, ये समझ लो। अभी यहाँ पर भी ये लोग हमसे बोल रहे थे कि टूट गया ना, तो हम देख रहे थे तो कह रहे हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अब आपको ही झेलना होगा। और जब वहाँ से हम बुकिंग करवा रहे थे तब भी हमसे बोला जा रहा था कि भाई यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है गाड़ी की आपकी टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो जो सादा गाड़ियाँ रहती है ना, जैसे ये स्पोर्ट्स बाइक हो गई, और भी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें प्लास्टिक की चीज़ें जब पार्ट्स ज़्यादा रहते हैं जो साइड से निकले हैं इधर निकले हैं, तो वो लोग ना कराओ तो सही है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि जितने की बुकिंग नहीं होगी, जितने का पेट्रोल नहीं लगना ना, उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। अब यही हो गया है, अब टूट गया आगे का ये हिस्सा, अभी हमको बदलवाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। अगर सादा सिंपल जो गाड़ियाँ होती है ना, बाइक्स होती हैं जैसे स्प्लेंडर हो गई, इस टाइप की जो बाइक्स हो गई ना, उस कैटेगरी की गाड़ियाँ बुक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ नुकसान होने को रहता ही नहीं है। लेकिन इन गाड़ियों में काफ़ी रहता है, ये प्लास्टिक की बॉडी है, इधर से ये निकला है उधर से वो निकला है, तो इसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और बाकी कैसा लगा है आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पूरी कोशिश करिए आपको अच्छे से पूरी डिटेल समझाने की, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर्स इसमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है, वहाँ ही फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक और चीज़, अभी हम बस कानपुर शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ से जो भी अच्छी अच्छी ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं, कुछ फेमस ट्रेन, कुछ डिमांडेड ट्रेन्स, तो उन सब के कमेंट्स में आप लोग नाम ज़रूर बताना। कोशिश करेंगे आगे के टूर्स में उन ट्रेन्स को कवर करने की।